पौने सात हो चुके हैं गाइस, और अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। ये मेरे दोनों फ्रेंड्स रेडी हो रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब हम निकलेंगे मंदिर की तरफ। सो चलते हैं, चलो 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 चलो। मैं एक इम्पोर्टेंट चीज से भूल ही गई, दुपट्टा डालना। तो हम लोगों ने आरती वगैरह सब अटेंड कर ली है, और इतनी औसम, इतनी अच्छी आरती थी, मज़ा ही आ गया। आरती में जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं पूरा मंदिर में, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हम लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करके फिर जाएंगे बीच साइड पे। मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, सूरज बिल्कुल सामने आ रहा है, और ये मेरे पीछे सोमनाथ मंदिर, जो कि हम सिर्फ इतना ही देख सकते हैं बिकॉज फोन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। तो अभी हम मिलेंगे बीच साइड पे, और यार आरती वॉज फैंटास्टिक, मेरे लिए बहुत लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम मेमोरी बन गई है आरती, इतनी अच्छी आरती थी। बगल में ही एक और मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो हमने वहाँ के भी सोचा कि चलो वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हमारे सोमनाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर दोनों के ही। फिर अब हमें लगाइए भूख, तो हम खाएंगे गुजरात का फेमस ढोकला, फाफड़ा, भजिया, और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम जा रहे हैं सी साइड पे, सो अब हम आपको दिखाएंगे पास से समुद्र के नज़ारे, ठीक है, डरना नहीं, ओके। एक्चुअली मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ, डरना नहीं, मुझे खुद को इतना डर लगता है पानी देख के, मैंने इतना पानी नहीं देखा यार, मुझे पानी से सच में बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा पानी देख के बहुत डर लगता है अंदर से। इतने प्यारे प्यारे ऊँट देखने को मिल रहे हैं, घोड़े को भी डेकोरेट कर रखा है लोगों ने, ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आपको सबसे दिलचस्प फैक्ट बताएगी आशा, तो आशा बताएगी कि ये जो सी है ना वो साउथ पोल तक पूरा, बता बता, इनफिनिट तक है, साउथ पोल तक सिर्फ पानी ही पानी है। मीन्स अगर आप साउथ पोल तक जाओगे ना तो बीच में कोई भी भूमि वाला एरिया, आइलैंड कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ पानी ही पानी आएगा। और ये पता है ऑलरेडी जो मंदिर है ना उसमें एक स्तंभ है, वहाँ पे ये सब लिखा हुआ है संस्कृत में, मतलब पहले इतने सालों पहले, कितने साल आई डोंट नो, बहुत सारे हजारों साल पहले ना ऑलरेडी सब पता करके उन लोगों ने संस्कृत में लिख दिया कि यहाँ से अगर साउथ पोल तक आप जाते हो तो कुछ भी भूमि वाला क्षेत्र नहीं आएगा। है ना कितना इंटरेस्टिंग, जस्ट इमेजिन यार, हम यहाँ से डायरेक्ट जहाँ तक देख रहे हैं साउथ पोल तक पानी ही पानी है, माय गॉड। अब मुझे पानी में मजा आ रहा है, हमने बहुत सारे फोटोज एंड वीडियो क्लिक करा लिए हैं, और अब हम जाएंगे घर पे, कमरे पे चेंज करेंगे और फिर आएंगे। मंदिर में, और यहाँ पे ना कृष्ण जी को मोक्ष, मतलब कृष्ण जी ने अपनी देह त्यागी थी तो उनको मोक्ष मिला था, ऐसा बता रहे थे हमको। बाकी बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं बहुत सारे अलग अलग, और आगे ना त्रिवेणी घाट है जहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, वन इज क्या, हिरण, सरस्वती, और एक और थी कपिला। ये इधर घाट, ये पेड़ वगैरह है ना, ये पूरा रेती रेत, और इस तरीके से छोटे 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 मंदिर, जैसे ये वाला हो गया,
और वो वाला हो गया। इस तरह के छोटे छोटे मंदिर हैं हर पूरे एरिया में, है ना। और यार इस जगह की वाइब बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे इस जगह की वाइब, एकदम शांति भरी, पीस भरी। हर कोई यहाँ पे इतना खुश है ना, हर कोई यहाँ पे हर हर महादेव बोले बोल रहा है, अंदर से आ रहा है हर हर महादेव। तो अब हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम पे और मैं आपको दिखाती हूँ त्रिवेणी संगम। ये है संगम जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे जो व्यू आ रहा है ना पेड़ों का, नदी का। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ना बहुत शांति है, पीस है, शांति शांति मिल पा रही है तन को, आत्मा को, मन को, जो शांति चाहिए थी वो मिल पा रही है। फाइनल कपिला कपिला हिरण और सरस्वती, ये तीनों का संगम है त्रिवेणी संगम, जो कि सोमनाथ में जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये है सूर्य कुंड और अभी हमने सूर्य मंदिर होके आ रहे हैं और अब सूर्य कुंड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और ये ना काफी सारी स्टेयर्स के बाद नीचे ये आ गया। भाई साहब क्या जगह है ये, भाई साहब ये सूर्य देवता आप देख सकते हो, ये रे सूर्य देवता। अमरूद खा लो गाइस। ये हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट पेमेंट करते हुए। ये खुफिया रास्ते काफी एडवेंचरस लगते हैं। ओ भाई हम आ चुके हैं अब राम मंदिर में और आप देख सकते हो चारों तरफ ये राम जी, जय श्री राम, ये कृष्ण जी। और अब आगे चलते हैं। राम दरबार आप देखो कितना प्यारा है, मैं दिखाती हूँ कितना प्यारा है ना, इतनी सुंदर से। चलो वेट नहीं करूंगी, ये बहुत स्लो कर, ठीक है। गिर नेशनल पार्क से पहले पहले पेट पूजा कर ली जाए। खाने को देख के लग रहा है खाना अच्छा होगा, कैसा है खाना, ठीक है। आशा को अपनी फेवरेट चीज छाछ मिल चुकी है, चलो पेट पूजा करते हैं अब। टिकट वगैरह सब करा ली है, अपना बस का वेट कर रहे हैं, बस आते ही निकलेंगे और फिर दिखाएंगे आपको वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है वो आएगा उधर बिठा दो।
क्या हो ना नेशनल पार्क, स्टील की बोतल लेके आनी चाहिए। सारी प्लास्टिक की बोतल बाहर रखवा दी है, अब इतनी धूप में बस प्यासे प्यासे रह जाएंगे। खैर डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा, हमने बहुत सारा छाछ पी लिया है ना। नील गाय, नीली क्यों नहीं है पड़ी? नील गाय हिरन, थोड़ा पास आ जाओ ना हिरन। हिरन तो देख ही नहीं रहा। हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपने रूम पे, और आज का जो पूरा था ना सारा टूर एंड ट्रैवल, सारी सारी जगह घूमी, क्या क्या इतने सारे मंदिर थे सोमनाथ में, सारे कवर कर लिए। फिर उसके बाद गिर नेशनल पार्क था, वो भी देख लिया, और फिर इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग, आके सोए तो नहीं, कुछ फ़ोटोज़ कॉल्स और ये सब में लगे रहे, बट हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके हैं अब हम, फ्रेश व्रेश हो के, क्योंकि अगर वो जो बीच का जो टाइम है ना रिलैक्सेशन का, अगर वो नहीं मिलता तो हम अभी तक मूर्छित हो जाते बिल्कुल ही। तो अब हम लोग फ्रेश वगैरह हो चुके हैं और अब चलते हैं, रात को, रात के 8:40 बज रहे हैं, 8:40 तो हम निकलते हैं डिनर करने और उस